अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेज़। तो सबसे पहले हम फ्रेज़ की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि फ्रेज़ आखिर किसे कहते हैं। फ्रेज़ कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच gives complete meaning but not sense। तो फ्रेज की जो डेफिनेशन है वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक तो ग्रुप होना चाहिए वर्ड्स का, विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जो कंप्लीट मीनिंग दे बट नॉट सेंस, और सेंस नहीं दे। कंप्लीट मीनिंग का मतलब ये है कि उसका तर्जमा होना चाहिए, मीन्स उसका तर्जमा हो, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो उसका तर्जमा। जाहिर सी बात है, किसी भी वर्ड का एक मीनिंग होती है उर्दू में या सिंधी में, किसी भी लैंग्वेज में, तो उसकी मीनिंग होनी चाहिए किसी भी फ्रेज़ की, लेकिन वो सेंस नहीं दे कंप्लीट, पूरी तरह से वो सेंस नहीं दे, तो उसे कहते हैं हम फ्रेज़। अब फ्रेज़ को हम एग्जांपल की तौर पे समझेंगे तो ज़्यादा हमें समझ आएगा। अगर हम यहाँ पे लिखें इन क्लास में, तो इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट मिल रही है। एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक वर्ड है, दूसरा ये वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, और ये कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है इन क्लास क्लास में। लेकिन मीनिंग का मतलब ये, मेरे कहने का मतलब ये है कि मीनिंग दे, मीन्स कंप्लीट दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन मीनिंग दे तो उसे हम कहेंगे फ्रेज़। और ये कंप्लीट हमें सेंस नहीं दे रहा, इन क्लास क्लास में क्या हो रहा है, क्लास में क्या चीज़ है, उसका पूरा सेंस नहीं मिल रहा, इसीलिए ये हुआ फ्रेज़। और अगर मैं इधर लिख दूँ गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स अच्छे शागिर्द, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक वर्ड ये है, दूसरा वर्ड ये है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ और कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है अच्छे शागिर्द। अच्छे शागिर्द जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमें सेंस पूरा नहीं मिला, सिर्फ हमें ये मीनिंग दे रहा है कंप्लीट, इसीलिए ये फ्रेज हुआ। तो फ्रेज कहते हैं इसे। और फ्रेज के जो है वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है नाउन फ्रेज, दूसरा होता है एडवर्ब फ्रेज, तीसरा होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। और चौथा होता है वर्ब फ्रेज। अब हम पहले पहले आते हैं नाउन फ्रेज पे। तो नाउन फ्रेज में क्या होता है, नाउन फ्रेज में अंदर आ जाते हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन। नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव प्लस नाउन और एक नाउन मिलके नाउन फ्रेज बनाते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे ऊपर में देखे आया हूँ गुड स्टूडेंट्स, वो यहाँ मैं अगर लिख दूं गुड स्टूडेंट्स, गुड जो है वो एडजेक्टिव हुआ, ये अलग बात है कि गुड एडजेक्टिव क्यों है, ये अलग टॉपिक है। इधर मैं अगर डिफाइन कर दूँ सिंपली कि स्टूडेंट्स को ये मॉडिफाई कर रहा है, मीन्स नाउन को, इसीलिए गुड एडजेक्टिव है। और अगर मैं इधर लिख दूँ बेड स्टूडेंट्स, तो ये भी एक नाउन फ्रेज हुआ। क्यों? क्योंकि बेड जो है वो एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ये दोनों मिलके नाउन फ्रेज बनाते हैं। और दूसरा होता है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज में आ जाते हैं एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, ये एडवर्ब फ्रेज बनता है। जैसे मैं लिखूं वेरी हैप्पी, बहुत खुश, तो ये कंप्लीट मीनिंग तो दे रहा है लेकिन सेंस नहीं दे रहा, इसीलिए ये फ्रेज हुआ। कौन सा फ्रेज हुआ? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्यों हुआ? क्योंकि ये यहाँ पे एडवर्ब है और यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो वेरी हैप्पी ये एक एडवर्ब फ्रेज हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सो सैड, मीन्स बहुत उदास, तो ये भी एक फ्रेज हुआ। कंप्लीट मीनिंग तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, बहुत उदास कौन है, क्या है, किस लिए है, ये सेंस नहीं मिल रहा, इसीलिए ये फ्रेज हुआ। कौन सा फ्रेज हुआ? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है, ये हमारा जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है। और दूसरा हमारा होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज में हमारे तीन स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। एक आ जाता है प्रीपोजिशन प्लस, प्री लिखा है मैंने, पोजिशन मिस हो गया, प्रीपोजिशन प्लस नाउन
प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन, प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रोनाउन। अब इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन की विथ अली, तो ये विथ अली क्या हुआ, विथ अली मीन्स अली के साथ, अली नाउन है और विथ जो क्या है प्रीपोजिशन है, तो ये क्या हुआ, एक फ्रेज हुआ। क्यों फ्रेज हुआ, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है लेकिन सेंस नहीं दे रहा, तो ये फ्रेज हुआ। कौन सा फ्रेज हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन प्लस नाउन दिया गया है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, इन क्लास, क्लास में, तो ये क्लास जो है नाउन है और ये प्रीपोजिशन है, तो दोनों मिलके क्या बनाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और तीसरा होता है प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन। यहाँ पे अगर मैं लिखूं विथ हिम, अगर दूसरा एग्जांपल दूं मैं विथ हर, तो ये क्या हुआ, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये क्या है, ये प्रोनाउन है, तो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और तीसरा जो स्ट्रक्चर है, इस पर अगर मैं एक एग्जांपल बना दूँ विथ गुड टीचर्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रीपोजिशन, ये एडजेक्टिव और ये नाउन हो गया, तो ये हमारा स्ट्रक्चर भी पूरा हो गया। अगर इसका मैं दूसरा एग्जांपल भी दे दूँ, इन फाइव क्लास, सॉरी इधर नाउन लिख रहा था, शायद मैं प्रोनाउन लिख गया हूँ या कह गया हूँ नाउन, लेकिन इधर नाउन आना था, शायद मैंने प्रोनाउन कहा होगा लेकिन इधर नाउन आना है, माय मिस्टेक, सॉरी। प्रीपोजिशन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया और यहाँ पे नाउन आ गया, तो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारा बन गया। ये फ्रेज क्यों है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है लेकिन सेंस नहीं दे रहा पूरी पूरी तरीके से, इसीलिए ये फ्रेज हुआ। बाकी हमारा लास्ट रहता है एडवर्ब फ्रेज, सॉरी एडवर्ब फ्रेज भी हमने पढ़ लिया, बाकी वर्ब फ्रेज रहता है। वर्ब फ्रेज में अगर हमारी जो प्रेडिकेट होती है, अच्छा इधर मैं एक बात डिफाइन करता चलूँ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन कभी भी फ्रेज नहीं बन सकता, मीन्स जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो वो कभी भी फ्रेज नहीं हो सकता, चाहे वो कंप्लीट मीनिंग दे या ना दे, वो हमारी कंप्लीट सेंस दे या ना दे, वो हमारी बात नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब कभी भी फ्रेज नहीं बन सकता। अब हमारा रहता है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज से सिंपली आप समझ लें, अगर आपने कभी प्रेडिकेट पढ़ा हो तो प्रेडिकेट जो भी है वो वर्ब फ्रेज में आ जाता है, मीन्स पहले वर्ब और आगे जो भी चूज हो तो वो क्या होगा, वर्ब फ्रेज होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्ले हॉकी, रात गेम खेलना, प्लेइंग हॉकी गेम खेलना, तो हॉकी खेलना सॉरी, तो ये प्लेइंग वर्ब है और ये हॉकी नाउन है, आगे कुछ भी आ सकता है, अगर पहले वर्ब है और आगे कुछ है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है लेकिन सेंस नहीं दे रहा, तो वो हमारा क्या हुआ, फ्रेज हुआ। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन हो तो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।